हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ललित कुमार शर्मा। और जैसा कि आपको बताया कि हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वन की जो लेटर राइटिंग है वो कर रहे हैं, और हम पहले ही एक लेटर जो है वो लिख चुके हैं या लिखना सीख चुके हैं। और आइए आज हम अपना देखते हैं जो दूसरा लेटर है वो। दूसरा लेटर हमारा किसके ऊपर है? तो दूसरा लेटर जो है हमारा फादर्स नरेटिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, मतलब अपने पिताजी को बताते हुए अपने जो हॉस्टल में जो एक्सपीरियंस अनुभव है आपका वो बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र। तो क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब करते हुए बताते हुए योर लाइफ एट हॉस्टल, कि आपकी हॉस्टल में लाइफ जिंदगी कैसी है। तो सबसे पहले हमें आपको बताया, यहाँ पर अपने हॉस्टल का एड्रेस डाल देंगे जैसा कि आपने बताया, और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, डेट। ठीक है, रेस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, सम्माननीय पिताजी, आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लेड टू रिसीव योर लेटर यस्टरडे, मैं कल आपका पत्र पाकर बहुत ही खुश हुआ। आई रीड इट जस्ट आफ्टर, मैंने इसे पढ़ा जस्ट आफ्टर कॉलेज टाइम, कॉलेज टाइम के तुरंत बाद मैंने इसको पढ़ा। बट इट मेड मी फील होमसिक फॉर अ फ्यू आवर, लेकिन इसने कुछ समय के लिए मुझे घर की याद दिलाई। नाउ अभी आई एम क्वाइट हैप्पी एंड फाइन, अभी मैं अच्छा और ठीक हूँ। आई फील अ बिट एम्ब्रेस्ड, अभी आई फील, मैंने फील किया एक बिट एम्ब्रेस्ड, मैं थोड़ी सी एम्ब्रेस्ड हो गई। ऑन दी इंट्रोडक्शन नाइट, जो मेरे परिचय की रात थी उस दिन मैं थोड़ी सी एम्बेरेस्ड हो गई। बहन आई वाज मॉडरेटली रिग्ड बाय द सीनियर गर्ल्स, मेरी जो सीनियर मतलब बड़ी जो लड़कियां हैं उनके द्वारा जब मेरी रैगिंग की गई तो मैं थोड़ी सी क्या हो गई, एम्बेरेस्ड हो गई। ठीक है, ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल में, बट लेकिन एवरी थिंग इज क्वाइट ओके, अभी सब कुछ ठीक है। आई फाइंड लाइफ क्वाइट मीनिंगफुल, मैंने यहाँ पर अपनी जिंदगी को सौंदर्यपूर्ण पाया है। एंड और चार्मिंग ओवर हेयर, मैंने अपनी यहाँ जिंदगी को सौंदर्यपूर्ण और एक आकर्षक पाया है। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, आपसी सहयोग, सिंपैथी एंड लव और प्यार आर द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ की जो मेन करेक्टरिस्टिक हैं वो हैं कॉर्पोरेशन, आपसी सहयोग, सिंपैथी और प्यार। ठीक है, हेयर यहाँ पर वी गॉट द बेस्ट एटमोसफियर, यहाँ पर हमने एक अच्छा वातावरण प्राप्त किया है। फॉर द सीरियस स्टडी, तो जो हमारी जो सीरियस स्टडी है उसके लिए हमने एक अच्छा वातावरण प्राप्त किया है। फॉर सीरियस स्टडी, यहाँ गंभीर अध्ययन के लिए, म्यूचुअल डिस्कशन, आपसी बातचीत ऑन डिफरेंट टॉपिक, विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत, गॉसिपिंग, गपशप एंड डे टू डे मैरी मेकिंग, और जो छोटी छोटी आदत, जो छोटी छोटी मैरी मेकिंग है उनमें, मेक द हॉस्टल, हॉस्टल लाइफ को क्या बना देती है, ए थिंग ऑफ एनेवी फॉर ऑल, सबके लिए थोड़ा सा ईर्ष्या का विषय बना देती है। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ हेयर, जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट मतलब महान, ब्लेसिंग मतलब क्या है, एक महान जो आशीर्वाद है कॉलेज लाइफ का वो क्या है, इंडिपेंडेंस, क्या आज़ादी। ठीक है, बट सम स्टूडेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आर लेड एस्ट्रे बाई द अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ हॉस्टल लाइफ, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ की अनलिमिटेड मतलब अनियंत्रित स्वतंत्रता के कारण यहाँ कुछ बच्चे भटक जाते हैं। माई रूममेट, जो मेरी रूममेट है श्रुति, इज वेरी सिंसियर, वो बहुत ही अच्छी है एंड स्टडियस गर्ल, और पढ़ने वाली लड़की है, लाइक मी, मेरी तरह, सी इज ऑल्सो कॉन्सियस, वह हमेशा सचेत रहती है, ऑफ द एम, अपने लक्ष्य के प्रति, ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी के, ठीक है, वह अपनी जिंदगी के जो लक्ष्य है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत है। बोथ ऑफ अस, हम दोनों स्पेंड आवर प्रीसियस टाइम इन सीरियस स्टडी, हमने जो अपना पुराना जो समय है वो हमने एक गंभीर शिक्षा करने में बिताया है। एंड यूजफुल एक्टिविटीज़, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें करने में बताया है, मतलब जो हमारी गतिविधियां हैं, जो उपयोग गतिविधियां हैं उनमें करने में हमने पिछला समय बिताया है। ठीक है, नाउ नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, नाउ अभी आपको हमारे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एश्योर यू, मैं आपको ये सुनिश्चित करा देना चाहती हूँ, आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, द वैल्यूएबल एडवाइस, जो आपने एक कीमती हमें सलाह दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। यू गेव मी बिफोर लीविंग द हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल के लिए आ रही थी, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मम्मा, मम्मा के लिए मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू रोहन, और रोहन को मेरा प्यार देना, और यहाँ पर योर लविंग डॉटर, आपकी प्रिय पुत्री, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो वो डाल देंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर ये आपको समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।